नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी साथियों को रविवार सुबह का नमस्कार। देखो, आज हम छोटी सी डिस्कस करेंगे सीईटी के ऊपर। जो लगातार वार्ताएं चर्चाएं हो रही हैं, वो ही आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देता हूं। देखो, आज हम डिस्कस करेंगे सीईटी कब होगा, जो नेक्स्ट सीईटी है वो कब होगा, क्या ये सीईटी कैंसिल होगा, इस पर भी चर्चाएं जोरों से हैं, ये सीईटी कितने पदों पर होगा, उसके बाद सीईटी जो एग्जाम होगा उसके नियमों में क्या बदलाव होना है, क्योंकि अब तक एक ही सीईटी हुआ है 2019 में। चूंकि बातें हुई थी भाई साल में दो बार होगा, लेकिन अब एक बार ही हुआ है, तो अब क्या इसके नियमों में बदलाव होगा, और सी और डी जो ग्रुप है क्या उनका कॉमन सीईटी होगा। ठीक है, एचएसएससी की सारी जो भर्तियां हैं वो लगभग ये रिजर्व जो फैसला है 5 नंबर का, उसी के ऊपर फंसी हुई है। तो रिजर्व फैसला कब तक आने वाला है, जो और इन सभी पर हम छोटी सी चर्चा करेंगे। देखो, जो रिजर्व फैसला है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। देखो, कोई डेट तो निश्चित नहीं है कि भाई कब तक आएगा, लेकिन जल्दी आएगा। ये जो चर्चाएं हैं जोरों पे हैं कि बहुत जल्दी जो 5-2.5 नंबर का जो फैसला है वो पब्लिक डोमेन में बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और जब 5 नंबर का मामला, ये फैसला जल्दी आएगा, तो बहुत जल्दी टीजीटी भर्ती, डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट, 56 स्थान, ये सारे बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होंगे। सी और डी की सारी भर्तियां फंसी हुई है, ये सारी भर्तियां रिजर्व फैसले पर है। तो ये जो रिजर्व फैसला है, ये लगा लो मैक्सिमम 1 सप्ताह के अंदर अंदर, देखो हो सकता है 2 सप्ताह, हो सकता है चुनावों के बाद हो, लेकिन जहां तक बातें हो रही हैं तो ये रिजर्व फैसला आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। सीईटी कब होगा, क्या सीईटी कैंसिल होगा? देखो, बहुत बातें हो रही हैं कि सीईटी को कैंसिल होना चाहिए और सारी जितनी भी भर्तियां हैं वो ओपन होनी चाहिए, जैसे अभी फिलहाल पटवारी की या और 2-3 भर्तियां हैं जो ओपन कर दी। तो ये जो HSSC की, जो हरियाणा की जितनी भी भर्तियां हैं वो ओपन करने की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ये जो सीईटी है, अब चूंकि सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव है, ठीक है, तो ये सीईटी कैंसिल नहीं होगा, 100% सीईटी होगा, और ये सीईटी आपको जून में फॉर्म देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि जब 2019 लोकसभा चुनाव थे, उससे पहले 2018 में डी ग्रुप की एक बहुत बड़ी भर्ती हुई थी, 18,000 कुछ बच्चों की भर्ती हुई थी। तो ये जो सीईटी है अब कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि जो भी भर्तियां आदि जो होनी है विधानसभा से पहले, जो भी भर्तियां होनी है वो सभी सीईटी पर होंगी। कितने पदों पर होगी ये कोई गारंटी नहीं है कि भाई 1 लाख पदों पर होंगी, 65,000 पदों पर होगी, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि लगभग 65,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि 65,000 है, हो सकता है 64,000 भर्ती हो सकता है 1,80,000, 90,000 पे चली जाए। तो ये कंफर्म है कि विधानसभा चुनाव से पहले पहले बहुत बड़ी भर्ती होंगी सी और डी ग्रुप की, और भी कई वेरियस क्षेत्र है उनकी भर्तियां होंगी, और ये भर्तियां सारी सीईटी जो होगा उसी बेस पर होगी। और अब बात करते हैं कि सीईटी नियमों में बदलाव बिल्कुल कंफर्म होगा, क्योंकि जो ये 4 गुना की कंडीशन है इसने सभी भर्तियों को रोक दिया। 2023 की जितनी भी भर्तियां थी सी और डी ग्रुप की, वो केवल और केवल सीईटी के नियमों के कारण रुकी हुई है। सीईटी में 4 गुना पास करना, ठीक है, कभी ओबीसी की कट ऑफ जनरल से ज्यादा गई तो उसको कम कर दिया गया, तो इस तरह की कई चीजें हुई है, बार बार त्रुटियां, छोटी छोटी माइनर जो भी टेक्निकल खामियां हुई हैं उनकी वजह से ये भर्तियां फंसी हुई है। तो सीईटी के नियमों में 100% बदलाव होना है, या तो सीईटी क्वालिफाई जो बच्चे हैं, जो भी क्वालिफाई बच्चे हैं वो सभी मेन एग्जाम में बैठेंगे, या फिर राजस्थान की तरह, राजस्थान में क्या कर दिया कि सीईटी का जो 15 गुना है वो मेन एग्जाम में बैठेंगे। तो ये भी हो सकता है, संभवत है सीईटी जो क्वालिफाई बच्चे हैं और जो टोटल वैकेंसी है, जो टोटल पद हैं, उनके 15 गुना बच्चों को मेन एग्जाम में बढ़ाया जाएगा, तो ये भी संभव है। ठीक है, बदलाव 100% होना है, ये नियम नहीं लगेगा कि वो ही 4 गुना वो ही रिपीट नहीं होगा, तो नियमों में 100% बदलाव होगा। सी और डी ग्रुप का कॉमन एग्जाम, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ऐसा सुनने में आया है कि सी और डी का जो ग्रुप है उनका कॉमन एग्जाम लिया जाएगा। कॉमन का मतलब होता है कि एक ही सीईटी में डी ग्रुप और सी ग्रुप
डी ग्रुप एंड सी ग्रुप दोनों एग्जाम एक साथ दिए जाएंगे। तो क्या करेंगे कि पोर्टल एक निकालेंगे, पोर्टल खोल देंगे और पोर्टल में ये भरवाएंगे कि कौन बच्चा डी ग्रुप में जाना चाहता है, यस और नो करवाएंगे। तो डी ग्रुप का जो रिजल्ट है, डी ग्रुप का जो रिजल्ट है वो केवल पोर्टल के अकॉर्डिंग ही निकाला जाएगा कि किस बच्चों ने सहमति जताई है कि हम डी ग्रुप में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो बाकी बच जाएंगे सी ग्रुप। तो सी ग्रुप की जितनी भी भर्तियां हैं, कंडक्टर ड्राइवर की है, पटवारी, ग्राम सचिव, क्लर्क, जो भी भर्तियां हैं जो सी ग्रुप की हैं, उनमें लगभग 15 गुना 12 या 15 गुना, वैसे तो 15 गुना की बातें चल रही है, 15 गुना जो बच्चे क्वालिफाई हैं वो ही सी ग्रुप का एग्जाम देंगे। और पोर्टल के अकॉर्डिंग जिसने कहा है कि भाई हम डी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं उनका रिजल्ट, तो ये कॉमन हो सकता नहीं, लगभग 90% ये कॉमन ही होगा, ठीक है। क्योंकि इससे है ना जो जितनी भी टेक्निकल जो गलतियां हैं वो सारी खत्म हो जाती है। और ये भी कन्फर्म है कि जब 2019 में चुनाव हुए थे तो 2018 में डी ग्रुप की बहुत बड़ी भर्ती आई थी, तो अब चूंकि 2024 में जो चुनाव है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, तो बहुत बड़े स्तर पर 65,000 पद भी कह सकते हो इसको, 1,00,000 पद भी कह सकते हो, 90,000-80,000 पद भी कह सकते हो, तो ये सीईटी के बाद ही ये सारे पद फिलअप किए जाएंगे। तो जो सितंबर अक्टूबर में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले पहले विधानसभा में जीतने के लिए ये सारी भर्तियां करनी पड़ेंगी और सारी भर्तियां सीईटी पर होंगी। तो सीईटी जून में लगभग फॉर्मों में आएंगे, जुलाई अगस्त तक इसके एग्जाम होंगे, ये सारी भर्तियां होनी है। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि लगातार तैयारी में जुट जाओ और सीईटी अनिवार्य रूप से होना है और सीईटी आपको अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई भी करना है, ठीक है, अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं ताकि तुम इन सारी भर्तियों में जा सको। और ये भी है कन्फर्म कि जो डी ग्रुप है तो डी ग्रुप के जब जिला स्तर पर वैकेंट पोस्ट देखी गई थी तो कम से कम 12 से 15 हजार डी ग्रुप की वैकेंसी आने वाली है, कन्फर्म आने वाली है। हो सकता है कि ये जो सीईटी कॉमन एग्जाम हो इसके द्वारा इसको फिलअप किया जाए डी ग्रुप को, या इनका अलग से एग्जाम हो सकता। तो ये चीजें जो बातें चल रही हैं वर्तमान में, जो वार्ताएं, मंत्रणाएं, जो चिंतन मनन, जो भी बातें चल रही हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं। सभी बच्चों को धन्यवाद।